आई एम डॉक्टर शारदा जैन। ये तीसरा वीडियो आरएमओज के लिए है, नर्सेस के लिए है, आईसीयू में क्या करेंगे। इसका एक छोटा सा लिरिकल है जो कि लिख के डाल देना चाहिए, अपने फोन के पीछे लगा दे देना चाहिए। फास्ट हग्स बाइट्स, एफ इज फॉर फीडिंग एंड द फ्लूइड। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, जब पेशेंट आईसीयू में होना होता है तो उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि आपको क्या फ्लूड देना है, क्या रेट देना है और क्या फीडिंग देनी है। दूसरा चीज एनाल्जेसिक्स और सेडेटिव क्या देना है। ऑल सेडेटिव्स आर नॉट एनाल्जेसिक्स। सो अगर आपको लगता है कि पेन किलर की जरूरत है, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द वेट। टी इज फॉर थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस। अगर वो पेशेंट सर्जरी की बात आया है तो डिक्टम है कि 12 से 14 घंटे पहले कोई भी थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस नहीं देनी चाहिए, खाली डीवीटी पंप हम यूज करते हैं। सो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, व्हेन इट हैज टू बी स्टार्टेड, व्हाट डोज इट हैज टू बी स्टार्टेड। देन कम्स एच, हेड एलिवेटेड होना चाहिए ऑब्वियसली एस्पिरेशन बचाने के लिए, और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी थोड़ा सा डिक्रीज करता है। U इज फॉर अल्सर। आपको स्टमक में अल्सर न हो, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आते हैं स्पेशली आफ्टर सर्जरी, तो इन लोगों को हम पेंटोसिड वगैरह के इंजेक्शन देते हैं 12 आवरली। या सिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि किसी हालत में बेड सोर्स नहीं होनी चाहिए। देन ग्लाइसीमिक कंट्रोल। डायबिटीज बहुत कॉमन है, तो अगर ग्लाइसीमिक कंट्रोल है तो फ्लूड का भी बहुत क्लियर होना चाहिए, और क्या किस तरह से हम शुगर को कंट्रोल होने चाहिए, तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि कैसा इनका ग्लाइसीमिक कंट्रोल होगा। देन मानिए अगर पेशेंट ट्यूब में आता है तो स्पॉन्टेनियस जो ब्रीदिंग है उसका ट्रायल कब कब करना चाहिए, वो भी अगेन क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके पास आएंगे। देन बाइट्स में बी इज फॉर बाउल एंड ब्लैडर। इंस्ट्रक्शंस आपके पास होनी चाहिए। अगर इंडवेलिंग कैथेटर है तो आपको नेचुरली मॉनिटर करना पड़ेगा, यूरिन का कलर वगैरह सब देखना पड़ेगा, ये मॉनिटरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं तो हम धीरे धीरे एंटीबायोटिक कम करते हैं, क्योंकि नॉर्मली रूल है कि सर्जरी के टाइम आप एंटीबायोटिक गोल्डन पीरियड में देते, उसके बाद एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा दिए नहीं जाते, अनलेस पेशेंट इन्फेक्टेड हो तो उसकी बात आपकी अलग हो गई। देन ई इज फॉर आई केयर एंड एस इज फॉर स्किन केयर। So, ये सिंपल से रूल आपके पता होने चाहिए हर आरएमओ, हर नर्स को जो कि ओटी में काम करता है, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो आई रिपीट अगेन, फास्ट हग्स बाइट्स, क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।